हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जोहर के फर्ज चार रकात होते ना, जिसने जोहर के चार फर्ज से पहले चार रकात सुन्नतें पढ़ ली, अल्लाह ताला उसके उस दिन के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं जो सुबह से उसने किया। जोहर की सुन्नतें पढ़ना इसका भी अजर। और अली करमल्लाहु वजहहू से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत मुसलसल असर से पहले चार रकात पढ़ती रहेगी हत्ता के उस जमीन पर इस हाल में चलेगी कि उसकी मग़फ़िरत हो चुकी होगी। असर की नमाज पढ़ते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह चार फर्ज, अगर थोड़ा सा वक्त और लगा ले, चार मिनट पांच मिनट मजीद लगा के असर की नमाज से पहले की चार सुन्नतें जो कि गैर मुअक्कदा है, अगर वो भी पढ़ने की आदत बना लें, अक्सर और बेशतर पढ़ते रहें, तो फरमाया कि ऐसे चलते फिरते होंगे जैसे मग़फ़िरत किए हुए चल रहे। कितनी देर लगेगी रोज? पांच मिनट। और इनाम कितना बड़ा। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी से रिवायत है कि मैंने अपने हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मगरिब की नमाज के बाद छह रकातें पढ़ते थे अव्वाबीन। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा मगरिब के बाद छह रकात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, ख्वाह समंदर की झाग के ही क्यों ना बराबर हो। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद छह रकात अव्वाबीन पढ़ने से एक हदीस के अंदर आता है कि 12 साल की इबादत का सवाब वो अलग मिलता है। एक और हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खाविन रात को अपनी बीवी को उठाए और फिर वो दोनों उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें तो इन दोनों को बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतों में लिख दिया जाता है, वज़्ज़ाकिरीन वज़्ज़ाकिरात में लिख दिया जाता है जिनसे जन्नत के वादे हैं। कि शौहर बीवी को उठाए तहज्जुद के लिए, बीवी शौहर को उठाए तहज्जुद के लिए, अल्लाह ताला इनको वज़्ज़ाकिरीन और वज़्ज़ाकिरात में शामिल फरमा लेते हैं। और एक रिवायत में यूं नकल किया गया कि जो आदमी रात को खुद उठे और अपनी बीवी को जगाए कि जिस पर नींद का गलबा हो रहा हो और वो गलबा नींद की वजह से अगर न उठ सकी तो उस आदमी ने उसके मुंह के ऊपर पानी का हल्का सा छींटा दे दिया, फिर वो दोनों अपने ही घर में उठकर खड़े हो गए इबादत के लिए और रात की एक घड़ी अल्लाह और जल की जिक्र करने लगे, इबादत करने लगे, तो अल्लाह ताला दोनों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं।